भारतीय समय के मुताबिक 5 नवंबर के शाम 4 बजे से अमेरिका में मतदान शुरू हो जाएगा। हालांकि 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी मतदाता अर्ली वोटिंग में मतदान कर चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बाजी टिकी है अमेरिका के स्विंग स्टेट्स पर, जो कभी भी पाला बदलकर जीतने वाले को हरा सकते हैं या हारने वाले को जिता सकते हैं। देखते हैं अमेरिका के वे इन स्विंग स्टेट्स में कितने क्या रुझान दे रहे हैं। एक तरफ रिपब्लिकन्स की ओर से मिस्टर प्रेसिडेंट बनने की रेस है और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि मैडम प्रेसिडेंट अमेरिका की सत्ता संभाले। डोनाल्ड ट्रंप द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने का वादा दोहरा रहे हैं। कम 7 करोड़ 70 लाख मतदाता अपना फैसला दे चुके हैं और 5 नवंबर को जब अमेरिका में मतदान होगा तो सबकी नजर स्विंग स्टेट्स यानी नतीजे बदलने की ताकत रखने वाले राज्यों पर होगी। अमेरिका के चुनाव में ये राज्य बहुत अहमियत रखते हैं। चुनाव वाले राज्यों में ये स्विंग स्टेट किसी भी उम्मीदवार को बना या बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में राज्यों को 3 तरह की श्रेणियों में रखा जाता है। पहले हैं रेड स्टेट्स। इन राज्यों में 1980 से लगातार रिपब्लिकन की जीत हो रही है। दूसरे हैं ब्लू स्टेट्स। इन राज्यों में 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है। तीसरी श्रेणी है स्विंग स्टेट्स। यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। इन राज्यों में जीत का अंतर बहुत कम रहता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने एरिजोना में केवल 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ये स्विंग स्टेट्स इस बार क्या सोच रहे हैं, किसका पलड़ा इन राज्यों में भारी है, अमेरिका में ये जानने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। 2020 के चुनाव में 10 राज्यों को स्विंग स्टेट्स माना गया था, लेकिन 2024 के चुनाव में 7 राज्यों को ही इस श्रेणी में रखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक नेवादा में ट्रंप के समर्थन में 46% तो कमला हैरिस के समर्थन में 49% मतदाता हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप के समर्थन में 46% मतदाता दिख रहे हैं, तो कमला हैरिस के लिए रुझान 48% नजर आ रहा है। विस्कॉन्सिन में 47-49 का मुकाबला है। जॉर्जिया में 47-48% पर कांटे की टक्कर है। पेंसिल्वेनिया में दोनों के साथ साथ 48-48% वोटर नजर आ रहे हैं। मिशिगन में भी बराबर का मुकाबला यानी 47-47% दिख रहा है। एरिजोना में कमला हैरिस के समर्थन में 45% तो ट्रंप के समर्थन में 49% मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। इन स्विंग स्टेट्स के वोटों का नतीजों पर बड़ा असर पड़ता है। जॉर्जिया में 2020 में जो बाइडेन को जीत मिली और 1992 के बाद पहली बार इस राज्य में डेमोक्रेट्स को सफलता मिली थी। इस वक्त दोनों ओर के उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने 3 नवंबर को ही रैली की तो कमला हैरिस ने मिशिगन में रैली की। चुनाव प्रचार का फाइनल फेज खत्म होने को है और अब यही स्टेट्स तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मिस्टर होगा या मैडम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।